वेलकम टू द एस सी एफ ए कंसल्टेंट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा के बारे में, आज हम बात करेंगे कि आपको स्टडी स्टूडेंट वीज़ा के अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। जैसे कि आपने किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई किया, आपका ऑफर लेटर आ गया, अब फर्दर आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन चीज़ें या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना HEC से या IBCC से ज़रूरी नहीं होता, आप विदाउट अटेस्टेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपने मैट्रिक की, आपकी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है, हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन जो है, उसके बाद आपका जो बैचलर्स प्रोग्राम है उसका ट्रांसक्रिप्ट और उसकी डिग्री भी, अगर आपकी डिग्री नहीं है तो वो मसला नहीं है, लेकिन इट्स अ गुड कि आप अपना डिग्री भी, आपने डिग्री भी लगाएं उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट भी लगाएं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो अपनी इंटर की अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपनी लगाएं, वो मार्कशीट जो है आपकी और मैट्रिक की। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स जब आप लगाते हैं उनकी जो पिक्चर्स लेते हैं या स्कैन कॉपीज होती है, हमेशा कोशिश किया करें क्लियर हो। नॉर्मली स्टूडेंट उसको बस खींच लेते हैं, तस्वीर बना लेते हैं और उसको बाद में चेंज करते हैं PDF में, तो वो फाइल का विजन जो होता है वो अच्छा नहीं आता। इसलिए कोशिश किया करें कि उसको प्रॉपर स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स अटैच किया करें आप सारे। ठीक है, दूसरा आप पासपोर्ट आप जब भी अटैच करें किसी भी कंट्री में या जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं, हमेशा उसका फ्रंट पेज लगाते हैं, फिर सेकंड पेज पे कैंडिडेट या एप्लीकेंट के साइन आते हैं, आपने वो साइन करने हैं। साइन के बाद थर्ड लास्ट पेज जो होता है 36 पेज, ये 3 पेजेस को आपने स्कैन करके एक फाइल में कंपाइल करना है, वो फाइल अटैच करनी होती है अपने अपने पासपोर्ट की। उसके बाद आपका आएगा FRC फॉर्म जो होता है, वो आपका जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपने लगाना है। तीसरी चीज़ पोलियो सर्टिफिकेट, जब भी आपने ऑस्ट्रेलिया वीज़े के लिए अप्लाई करना है आपका पोलियो सर्टिफिकेट हमेशा साथ अटैच होगा। और उसके बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, नॉर्मली आपको कंसल्टेंट्स या लोग कहेंगे कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा है कि आप अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या जो भी आपकी प्रॉपर्टी या इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है आपको हमेशा वो शो कराएं ताकि आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग रहे। उसके बाद इसमें आती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में ये होता है कि हम जो, आपको पता है करेंसी किस तरह फ्लक्चुएट कर रही होती है, दिनों में एकदम प्राइसेस ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं। नॉर्मली जो ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट है वो है 45 to 50 लाख के करीब, पाकिस्तानी करेंसी में आप करें मतलब 4.5 to 5 मिलियन के करीब। हम स्टूडेंट को हमेशा कहते हैं कि 5.5 मिलियन तक अगर वो बैंक स्टेटमेंट रखे तो उसकी फाइल सिक्योर रहेगी, क्योंकि उसमें आप ये देखें कि आपका प्लस पॉइंट जो हो जाता है अगर करेंसी फ्लक्चुएट होती है तो आप सिक्योर रहते हैं, क्योंकि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है 5 मिलियन की। एक चीज़ हमेशा कोशिश ये करें कि हम जो बैंक स्टेटमेंट अटैच करें अपने पर्सनल अकाउंट से करें, क्योंकि अगर तो आप किसी डिपेंडेंट का शो करेंगे, फॉर एग्जांपल अपने फादर का या किसी बड़े भाई का या किसी फैमिली मेंबर का अटैच करेंगे, फिर वो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिसका भी अपने फादर का लगाएंगे हमेशा ब्लड रिलेशन का होता है, और इवन के कुछ केसेस में तो वो ब्लड रिलेशन का भी नहीं लेते, मतलब आपके भाई बहन का भी नहीं करते, सिर्फ फादर और मदर का लेते हैं। उस केस में एक तो आपको अपने फादर या मदर के आईडी कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी जाएगी, उसके बाद पे स्लिप या सैलरी स्लिप जो लास्ट 6 मंथ की है वो आप साथ अटैच करेंगे। ये बैंक स्टेटमेंट हो गई आपकी। उसके बाद आपका इसके लिए मेडिकल जाता है, मेडिकल के बाद आपने जो गैप आपका है लास्ट, इसके लिए मैं हमेशा इंकरेज करती हूँ स्टूडेंट को कि ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है वीज़ा रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह भी जो है वो गैप है। अगर तो आपका गैप 1 साल से ज़्यादा है तो वो आपके लिए मसला बनता है। तो उस सूरत में अगर आपका गैप है आप कोशिश करें कोई डिप्लोमा कोर्स या कोई इंटर्नशिप वो सर्टिफिकेट लगाए ताकि आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग रहे। उस गैप को एक्सप्लेन एक तो आपने अपने SOP में करना है, दूसरा साथ सर्टिफिकेट अटैच करना है ताकि यूनिवर्सिटी जब आपसे ये क्वेश्चन करे कि आपका जो 1 साल का गैप है उसको कैसे कवर किया, तो वो आप सर्टिफिकेट दे सके। उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो ऑफर लेटर आता है वो आप अटैच करेंगे। ये आपकी कंप्लीट फाइल बनेगी जब आप वीज़ा प्रोसेस के लिए जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मज़ीद गाइड करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में।